हेलो दोस्तों, मनीष कश्यप कौन है? जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये देखो एक साइड वाले हैं ये हराम। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, उन्हें बिहार का बेटा भी कहा जाता है। दोस्तों मैं बताता हूँ मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप एक गुंडा नेचर का इंसान है, गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है, जो कि एक अपने ही घमंड में चूर रहता है। ये एक्चुअली एक भगोड़ा है। ये पुणे गया था सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, जो कि इससे हो नहीं पाया। ये वहाँ से छोड़ छाड़ के अपने शहर में आया। एक्साइट के बैटरी वाले से इन्होंने लड़ाई किया, गुंडा गिरदी दिखाया, उनको मारा, उनको धमकाया, उनको खुलेआम सोशल मीडिया में धमकी दिया कि ट्रांसफ़र करा दूंगा, ऐसे वैसे दुनिया भर का बहुत सारे ज्ञान दिया। वो वीडियो आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मैं किसी दिन आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप के अंदर इतना घमंड किस बात का है। घमंड इस बात का है क्योंकि वो एक पैसे वाले घर का लड़का है, उसका दिमाग में एक ही चीज़ है, वो नीतीश कुमार के सरकार को रेलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से। बिहार सरकार के किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को लेकर मनीष कश्यप का जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन इस तरह का होता है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इसमें घपला सिर्फ हो रहा है। अगर मान लो घपला हो भी रहा है, तुम इसको प्रूफ कभी कर पाए क्या? क्वेश्चन मार्क करना सबसे ईजी है, गलती निकालना सबसे ईजी है। कुछ करो ना, अगर इतने ही तुम्हारे पास नॉलेज है, इतने ही तुम्हारे पास गट्स है, इतने ही तुम टैलेंटेड हो, तो कुछ करके दिखाओ मेरा भाई, कुछ तो करो ऐसा। मनीष कश्यप का मैंने एक वीडियो देखा था, मनीष कश्यप उसमें बोल रहे थे कि मेरे पिताजी का बैकग्राउंड, मेरे बड़े पापा का बैकग्राउंड, मेरे दादाजी का बैकग्राउंड, ये सब चीज़ तुम बोल के क्या दिखाना चाहते हो? इस देश में सिर्फ एक ही पर्सनालिटी तुम ही हो जिसके फैमिली मेम्बर्स ऐसे है। तुम ऐसा कुछ काम करके दिखाओ जिससे लोगों को ये पता चले कि हाँ तुम जितना देखो भाई, वो जो कहावत है ना, जो गरजता वो बरसता नहीं है। तुम गरजने वाले बादल हो, तुम बरसने वाले बादल नहीं हो। जो करता है ना भाई, वो बोलता नहीं है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मनीष कश्यप का फ़ैन फॉलोइंग इतना क्यों बढ़ गया है। कितने सारे लोग हैं, कितने नए यूट्यूबर्स हैं जो सेम टू सेम एट इट इज़ मनीष कश्यप स्टाइल के वीडियो, मनीष कश्यप के स्टाइल का शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं, इंजीनियर को रेल रहे हैं। अरे मेरा भाई, इंजीनियर लोगों का काम, कोई भी किसी भी सरकारी इंसान, सरकारी अफसर है, काम के आगे पीछे का महत्व देखो, तुमको भी पता है। जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा फंड आता है, उस फंड के हिसाब से काम करके अच्छा दे देना बहुत मुश्किल काम है। तुम करो ना, तुम इंजीनियर हो, तुम करके दिखाओ। तुम अपना पैसा लगा के कोई प्रोजेक्ट में काम कर दो ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर दो। तुम अपने ही गाँव को कोई प्रोजेक्ट कर दो। अपना गांव का घर तो तुमने बनाया नहीं आज तक, अपने गांव में ही कोई एक छोटा स्कूल बना दो ना, मैं देखूं जरा तुम्हारा इंजीनियरिंग का स्किल्स क्या है। सिर्फ गलती निकालना सबसे आसान काम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मनीष भाई, थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हमारे देश का और हमारे देश के इंजीनियर का और हमारे देश के सरकारी अफसर का बारे में गलत सीधा उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो। और हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, इन लोगों के बारे में भी गलत बोल के हमारे देश का बदनामी मत करो भाई। सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे तुम वीडियो बना के डाल रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कितने सारे लोग का क्या क्या थॉट्स इनके लिए होता है। वो सिर्फ पैसा कमा रहे भाई, कमर्शियल ऐड है। अगर इतनी ही ताकत है, तुम इन कंपनियों को बंद करके दिखा दो ना। तुम भी एक तरह का इसी तरह का घपला वाला काम करते हो भाई। तुम भी जिस तरह का वीडियोज़ बना के पैसा कमा रहे हो ना, उस वीडियो से किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। तो हर कोई इंसान इस धरती पे आया है, और अभी कलयुग है भाई, कलयुग में हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, तो उनको भी अपना फ़ायदा देखने का पूरा आज़ादी है। वो भी एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तुम भी एक डेमोक्रेसी कंट्री में हो, तुमको ये बोलने का आज़ादी है। तुम अपना कुछ भी बोलते हो, चमड़ा का जवान है, कुछ भी बोल देते हो। इसलिए दोस्त, तुमको मैं एक ही सलाह दूंगा, वीडियो बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे लोगों का कुछ सीखने को मिले, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो। अपना फ़ायदा के लिए वीडियो मत बनाओ। वो बेचारा बच्चा जो था, जिसको IAS बनना था, वो बेचारा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुम जैसे कितने चूतिए पत्रकार लोग पहुँचे, उसका ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया। किस लिए? तो एक मीडिया है, उसको माइक लेके पहुँचा, उसको अधिकार है पूछने का। आओ तो मेरे पास, अगर हिम्मत है तो मैं दिखाऊँ तुमको। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए दोस्त, मत करो। एक महीना से मैं गाड़ी का बैटरी के लिए दौड़ रहा हूँ, और ये गाड़ी बुलेट है DC, बीच चौराहे पे बंद हो जाता है, और बीच चौराहे पे बंद होने के बाद साला कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। और यही है, और ये बैटरी उठा के मारूंगा तुम सबको, समझे ना।
एक महीना से बुलेट गाड़ी का मैं किक मार रहा हूँ और ये हाँ गाली दे रहा हूँ, गाली वीडियो में गाली दे रहा हूँ, वीडियो में गाली दे रहा हूँ तनी आंखों तनी सब बढ़िया से देखो। हाँ तनी क्या है तुहार नाम कहा? रोहित। ये है एक्साइड का शोरूम, अकेला इनकी गांड मार रहा हूँ सालों की। साइड में खड़ा हूँ, यहाँ पे देखो सब लोग भीड़। अरे तुम लोग भीड़ मत बनो, निकलो यहाँ से निकलो। साला अकेले लड़ता है, 10 आदमी नाटक देखता है, नाटक देखने के लिए साले तुम लोग इसीलिए गांड लगती है। भीड़ मत बनो।